हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास टेंथ द एन्चेंटेड पूल चैप्टर पढ़ने जा रहे हो लाइन वाइज, और चैप्टर की मीनिंग्स आपको साथ के साथ बताते चलेंगे, जिसको आप अपनी बुक पर, कच्ची पेंसिल आपके पास हो यदि तो उससे आप नोट भी करते चलें, जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चैप्टर की भी पीडीएफ पूरी डाल देंगे, जिससे कि आप पीडीएफ निकाल कर चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने प्यास से व्याकुल होकर अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, यानी क्या वे किसी शाप के शिकार हो गए हैं, कर्स मीन्स होता है शाप, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं या पानी न मिलने के कारण मर गए हैं, मीन्स प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण, एंड ड्राइविंग बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास से पीड़ित होकर, ओवर पावरिंग मीन्स होता है बहुत अधिक, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, और ड्राइविंग मीन्स होता है खिंचे चले जाना, यानी कि वो खिंचे चले गए, यानी अट्रैक्ट हो गए, किससे, प्यास से, कारण पानी के लिए। एंड ड्राइविंग बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास से वो व्याकुल हो गए। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश के लिए चल दिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा से कि उन्हें अपने भाई मिल जाएंगे, यानी एंड द पूल होपिंग, और उन्हें आशा थी कि इस स्थान पर तालाब होगा, दैट ही माइट फाइंड देम, और वहीं पर भी अपने भाइयों को पा लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मैडो। क्या अर्थ हुआ प्रोसीडेड? प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ा। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। केप्ट ऑन वॉकिंग मीन्स चलता ही रहा, यानी कि युधिष्ठिर जो थे आगे जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उसी दिशा में आगे की तरफ चलते रहे। ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वह जो रास्ता था वो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और किन से भरा हुआ था वह रास्ता, जंगली पक्षियों से, स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरणों से, इन सभी से वो भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मैडो, जब तक कि वे एक हरे भरे चरागाह, यानी कि हरे भरे सुंदर चरागाह के पास आ गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वहाँ एक साफ पानी का तालाब था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ बेहोश पड़े हुए देखा, फ्लैग पोल्स होता है झंडे का जो पोल होता है, डंडा होता है उसके समान, यानी कि जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा बेहोश स्थिति में, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन, टू रेस्ट्रेन मीन्स होता है रोकना, टू स्टॉप, ग्रीफ मीन्स दुख, यानी कि वो अपने दुख को रोक ना सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया और रोने लगे। उठाया से मतलब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और रोना स्टार्ट कर दिया। ही टच्ड द फेसेस भीम एंड अर्जुन,
उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो कि बिल्कुल शांत लेटे हुए थे। एंड मॉर्न, मॉर्न मीन्स होता है विलाप करना, और उन्होंने विलाप किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोस, क्या हमारी प्रतिज्ञाएं, वोस मीन्स होती है प्रतिज्ञाएं, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, यानी कि जबकि हमारा वनवास अभी वनवास का अंत होने ही वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यानी मेरे संकट के समय में देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है। युधिष्ठिर जो थे बहुत दुखी हो रहे थे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जो ही उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों की ओर देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब भी बहुत ही ज़्यादा असहाय हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें बड़ा आश्चर्य था, दुख भी था, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना शक्तिशाली कौन हो गया है जो उन्हें मार सकता था। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, और तब पे तालाब में नीचे उतरे। डिसेंडेड मीन्स होता है नीचे उतरना। ड्रॉन टू द वाटर बाय ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अपनी प्यास की व्याकुलता को पानी से मिटाने की उन्होंने कोशिश की। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, अचानक से ही उनकी बिना शरीर की आवाज़ ने एक चेतावनी दी उन्हें। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों को मार दिया गया है, यानी तुम्हारे भाई मर गए हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स होता अटेंशन। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन अदर, कि यह कोई और नहीं है, देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा। एंड गेस्ट, गेस्ट मीन्स होता है अनुमान लगाया उन्होंने, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्हें अपने भाइयों का जीवन वापस लगने का एक संभव प्रयास नज़र आने लगा था। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और आवाज़ ने एक के बाद दूसरे प्रश्नों को तेजी से पूछा। वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी कि संकट में व्यक्ति की रक्षा कौन करता है। करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ दिस साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कौन से विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। आंसर मिला उन्हें, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, किससे बनता है बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहने से व्यक्ति को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने पूछा कि हवा से भी अधिक तेज क्या है। माइंड यानी कि मस्तिष्क, अर्थात मन या विचार। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। अ सोरो स्ट्राइकिंग हार्ट, यानी दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर,
यानी कि एक यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग यानी कि ज्ञान. हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी कि उस व्यक्ति का जो घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ पत्नी. हु accompanies अ मैन इन डेथ, यानी कि मृत्यु के समय आदमी का साथ कौन निभाता है? तो धर्म. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. केवल धर्म ही मृत्यु के बाद की एकाकी यात्रा में आत्मा का साथ देता है. Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? The earth, पृथ्वी. Which contain all within itself? जो अपने आप में सब कुछ भर लेता है. Is the greatest vessel? ये सबसे बड़ा बर्तन है. What is happiness? खुशी क्या है? Happiness is the result of good conduct. सुख या खुशी अच्छे आचरण का परिणाम होता है. What is that? By giving up, which man becomes loved by all? Giving up means होता है छोड़ना. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके छोड़ देने से व्यक्ति सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है? तो pride, यानी कि घमंड. For if man gives up being proud, यदि आदमी proud करना छोड़ देता है तो he will be loved by all, तो वह सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है. What is the loss which yields joy and not sorrow? ऐसा कौन सी हानि है which yields joy, जिससे खुशी मिलती है, not sorrow, दुख नहीं. तो anger, if we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow. तो हमें लंबे समय तक दुख नहीं होता है. यदि हम नाराज होना छोड़ देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें अधिक लंबे समय तक दुख नहीं होगा. व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, ऐसी चीज क्या है जिसके त्याग देने से आदमी धनवान बनता है? डिजायर यानी कि इच्छाएं. एक मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच या लालचीपन छोड़ देता है तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वह कैसा हो जाएगा? धनवान बन जाएगा. व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, क्या यह जन्म है, अच्छा आचरण है या फिर शिक्षा है? आंसर डिसाइसिवली, यानी निश्चय पूर्वक तुम उत्तर दो. बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण. युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जन्म और शिक्षा आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं. गुड कंडक्ट एलोन डज, यानी अच्छा आचरण ही ऐसा करता है. हाउएवर लर्निंग अ पर्सन में भी, चाहे व्यक्ति कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकेगा. विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतें छोड़े हुए. Even though, यद्यपि, he may be learned in the four Veds, चाहे उसे चारों वेदों का ज्ञान क्यों ना हो. A man of bad conduct falls to a lower class, और एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा निचले वर्ग का ही माना जाएगा, यानी कि वह अपनी स्थिति से और गिरता जाएगा. What is the greatest wonder in the world? संसार में सबसे महान आश्चर्य कौन सा है या सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन आदमी यम के राज्य में लोगों को जाते हुए देखता है. एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वह हमेशा जीना चाहता है. दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है. दस इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे. एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी के उत्तर दिए. इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष बोले, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से कैन नाउ बी रिवाइव्ड, यानी कि कोई एक भाई, यानी वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, यानी मरे हुए भाइयों में से कोई एक आप जीवित करा सकते हैं. हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसके जीवन को वापस चाहते हो?
इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा, एंड देन ही विश्ड, तब उन्होंने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स इन लोटस आइट, बादलों जैसी छवि वाला, कमल जैसी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो कि आबनूश के पेड़ के समान पड़ा हुआ है, माइट अराइज, उसे जीवित कर दीजिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से बोले, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीम, तुमने भीम की तुलना में नकुल को क्यों पसंद किया, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम जिसमें कि 16,000 हाथियों का बल है, आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है भीम तुम्हें प्रिय भी है बहुत ज़्यादा, एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं ही तुम्हारी, भुजाओं की शक्ति ही तुम्हारे लिए रक्षा कवच है, टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताओ कि इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म आदमी की एक अकेली शील्ड है, कवच है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं, इफ धर्म इज गिविन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियाँ थीं, आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ कुंती का पुत्र, एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ग्रीव्ड, इसलिए वह पूरी तरीके से दुखी नहीं होगी, इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और न्याय के पैमाने पर, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैंने माद्री के एक पुत्र को जीवित कराया। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यक्ष जो थे युधिष्ठिर की निष्पक्ष व्यवहार से बहुत खुश हुए, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों को उन्होंने जीवनदान दे दिया। इट वॉज यम, या यमी थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे कि वे युधिष्ठिर से मिल सकें, उनका परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपियर, और इसके बाद वे डिसअपियर हो गए, यानी कि गायब हो गए। यह आपका चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, द एन्चेंटेड पूल। यदि आपको आगे भी इसी प्रकार से चैप्टर की समरी चाहिए और चैप्टर पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।